कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बर्न से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ने तमाम लोकतांत्रिक संस्थानों पर नियंत्रण कर रखा है। राहुल ने इसको लेकर तंज कसते हुए कहा कि भारत में आज बीजेपी छोड़कर कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीएसपी, एनसीपी और सभी पार्टियों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने की स्थिति में इनमें से कोई भी पार्टी नहीं है। उनका कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें संस्थागत ढांचे की जरूरत पड़ती है, जो संस्थाएं एक निष्पक्ष लोकतंत्र को चलाने में हमारी मदद करती थी, उन्हें पूरी तरह से अब बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। मसलन एक ऐसी जुडिशियरी जो हमारा बचाव कर सके, एक आज़ाद मीडिया, लेकिन यह स्थिति है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब 2014 के बाद बदला है, इससे पहले भारत में ऐसे नहीं होता था।